Hi, this is Rakhi Sawant and you're watching Bollywood Hungama. Keep watching. राखी जी, इनफैक्ट एक ये भी हुआ था प्रत्युषा का, जब इनफैक्ट जब बहुत ही जब सुसाइड हुआ और बहुत ही अफसोसनाक रहा, तो उसमें काफ़ी आपको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आपका रहा कि दैट आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आपने वहाँ पर सीलिंग फ़ैन को आप लेकर गई कि दैट सीलिंग फ़ैन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सुसाइड्स के लिए और कहीं ना कहीं सरकार को सीलिंग फैंस को बैन कर देना चाहिए. अमित शाह जी से अभी मैंने अपॉइंटमेंट लिया है और डेफिनेटली बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा. मोदी जी से भी मिल जाएगा. राकेश सावंत जो भी काम करती है जनता के हित के लिए करती है. देखिए, वो मेरी फ्रेंड थी. वो उसके पास अगर फ़ैन घर में नहीं हो तो शायद वो आत्महत्या नहीं करती, क्योंकि हाथ काटने के लिए दर्द होता है यार. पॉइजन खाने के लिए भी तकलीफ होती है. फ़ैन बहुत ईजी टारगेट है. और फ़ैन आप देखिए, आप नेट पे जाके देखिए कितने औरतें आदमी फ़ैन से लटक के जान देते हैं. बिल्कुल. मेरी एक छोटी मुहिम थी. आई डोंट केयर के कौन हंसता है मेरे पे, कौन लानत है उन पे जो मैं समाज सेवा करने पर आई हूँ. तो ये लोग ऐसा हंसते हैं मुझ पे क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर की बेटी नहीं, किसी का सुपरस्टार की बेटी नहीं हूँ, इसलिए मुझ पर हंसते हैं. आई ब्लडी डोंट केयर. मुझे पता है कि मुझे जनता के लिए क्या करना है. मैंने इसीलिए सबको बोला फ़ैन उतारो, क्योंकि फ़ैन उतर जाएंगे ना तो मेरे ख्याल से मैं 100% तो नहीं, 50% जो आत्महत्याएं हैं वो रुक जाएगी. मैंने कहा यार तुम टेबल फैन रखो ना, टेबल फैन से कैसे लटकोगे. जो अमीर है जो अफोर्ड करते हैं वो एसी रखे, है ना, और जो अफोर्ड नहीं करते वो टेबल फैन रखे, दो दो तीन दिन रखे. फैन रखो ही मत ना, क्योंकि कब दिमाग खराब हो और कब आप लटक जाओ. राखी जी, बहुत से लोगों का मानना ये भी है कि दैट आप ये सब चीज़ें आप पब्लिसिटी के लिए, आप पब्लिसिटी स्टंट्स के लिए आप कहीं ना कहीं करती हैं एंड आप शायद उतना. जो मुझे ऐसा बोलता है ना, उनकी माँ की उनकी बहन जो भी है, मैं गाली देती हूँ बिंदास. जो भी ऐसा सोचते हैं कि मैं पब्लिसिटी स्टंट करती हूँ, आई नो नीड. मतलब मैं समाज सेवा के लिए, लोगों के लिए बात तो करूँ काम के लिए, तो ब्लडी है आप मुझे पब्लिसिटी का स्टंट का नाम देंगे? डेफिनेटली नॉट. और दूसरे जो चैनलों में पैसे पहुँचाते हैं कि प्लीज़ हमारे लिए पब्लिसिटी करो, क्रिएट करो, हमें नेगेटिव बताओ, पॉजिटिव बताओ, बट बताओ. लोग मुझे देखते हैं ना और लोग मुझे प्यार करते हैं, इसलिए दूसरों को जलन होती है. नहीं, खैर, डेफिनेटली आपसे मोहब्बत बहुत बहुत करते हैं. मैं पहली बार गाली दे रही हूँ, पहली बार ऑन कैमरा गाली दे रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे भी चोट लगती है. बिल्कुल. राखी जी, इनफैक्ट एक ये भी था कि दैट आपको कुछ एक केस आपके पर इनफैक्ट अभी हुआ था. पवन हंस हैं, ये रेजिडेंट हैं बस्ती दानिश मंदन के, दैट कहीं ना कहीं भगवान वाल्मीकि के ऊपर अपेरेंटली, मतलब आपने कुछ कहा था जिससे कि कुछ लोग शायद. मिका जी का फ़ोन आया था मुझे जब उनके घर में एक लड़की जो है मॉडल वो घुस गई थी 4 बजे अर्ली मॉर्निंग. तो दो घंटे तक वो लड़की को बचाता रहा. वो अपना सर पटक रही है, पता नहीं क्या 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 कर रही है. मिका का फ़ोन आया कि राखी मुझे बचा लो इस बार और प्लीज़ आप मेरी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करो क्योंकि मेरे पे धाराएं लगी गई है. मैंने कहा मिका मैं तुम्हें क्यों बचाऊँ, क्योंकि तुम मेरे साथ पहले इंसिडेंट्स कर चुके हो, तुम मेरे 10 साल से, तुम मेरे फ्रेंड हो. मिका ने मुझे वो सारे सबूत भेजे जो मेरे पास मोबाइल में हैं, सारे वीडियो भेजे और कहा कि मैं इनोसेंट हूँ इस बार. तो क्या किसी इनोसेंट को बचाना बुरी बात है? अगर मैं लोगों को एक उदाहरण देती हूँ, मैंने उदाहरण दिया. सब कहते हैं, बहुत सारे मीडिया वाले या सब लोग कहते हैं, अरे तुम मिका तो तुम्हारा दुश्मन है, तुमको उसके अगेंस्ट जाना चाहिए. क्यों जाना चाहिए? क्योंकि 10 साल पहले उसने एक कांड किया था मेरे साथ, तो मुझे जाना चाहिए अलग? वाई? आज वो मेरा दोस्त है या आज वो इनोसेंट है तो मैं उसे हेल्प क्यों ना करूं? या कौन सा उसने बैग भर के पैसा मेरे घर में पहुंचाया? या कौन सा उसने मदद मांगी मुझसे? वो भी पहले मैंने देखा कि हिज इनोसेंट है या नहीं है. इनोसेंट नहीं होता तो मैं तो उसको जिंदगी में सपोर्ट नहीं करती, लड़की को सपोर्ट करती. लेकिन मैंने देखा कि लड़की पुलिस को बुला के पुलिस को गालियां दे रही है, मिका को मार रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही है. तो मैंने देखा, तो मैंने मिका के लिए ये कमेंट किया कि 10 साल पहले मेरा दुश्मन था, अब मेरा दोस्त है. तो मैंने कहा कि वाल्मीकि भगवान के लिए बाबा रे, मैं भी मैंने ऐसा बोला कि वाल्मीकि भगवान जी पहले जंगलों में घूमते थे और लोगों का कत्ल करते थे और अपना घर चलाते थे. तो एक दिन भगवान ने उनको कहा कि जा तेरी बीवी के को पूछ ले, इतने तो लोगों को मर्डर करता है, क्या तेरा पाप तेरी बीवी माँ बाप उठाने के लिए तैयार है? तो अपने माँ बाप के पास गए वाल्मीकि भगवान और बीवी के पास गए कि तू मेरा पाप उठाएगी नरक में? तो सबने हाथ ऊपर कर दिए कि नहीं, आप अपना पाप करो, आप भुगतो, हमारा उसे कोई लेना देना नहीं है. तो उस दिन से वाल्मीकि भगवान ने ये कत्ल करना बंद कर दिया, शिकार करना बंद कर दिया और
उन्होंने रामायण लिखी और सिर्फ राम राम और भगवान का नाम लेते रहे, इसलिए उनको भगवान वाल्मीकि कहा जाता है। और रामायण उन्होंने लिखी है तब जाके राम, उनकी नज़रों से राम को लोग जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत कहा, तो मैंने कहा इसीलिए वो पहले गुनहगार था लेकिन अभी सुधर चुका है। मिका के ऊपर से सब कुछ हुआ। तो कुछ लोग चिप पब्लिसिटी करना चाहते हैं, मेरा नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसीलिए झूठ मूठ के आंदोलन करते हैं, झूठ मूठ का मेरा मुझे घसीटना चाहते हैं। बट मुझे लगता है कि वो लोग कामयाब नहीं होंगे। राखी जी, आपने ये भी कहा है कि दैट सेक्स सेल्स द फिल्म, एंड आपने ये भी कहा है कि दैट अगर महेश भट्ट साहब की अगर फिल्मों में अगर सेक्स के सीन होते हैं तो उसको डिफरेंट तरीके से देखा जाता है, अगर मेरी फिल्म में अगर सेक्स के सीन होते हैं तो उनको। ना राज कपूर साहब कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत डबल स्टैंडर्ड्स है। राज कपूर जी की फिल्मों में कितना न्यूडिटी होती थी पहले, सत्यम सिम सुंदरम, मेरा नाम जोकर, पूरा शरीर दिखाया जाता था वुमेन को, राम तेरी गंगा मैली पूरा दिखाया जाता था। बस ये कि बच्चे को दूध पिला रही है, वो ये कर रही है, वो ये कर रही है, ज़माना बदलते जाता है, यू नो। एंड महेश भट्ट साहब की अगर फिल्में देखें तो टोटली एकदम मतलब सेक्स ही होती है। बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसरों की फिल्में सेक्स होती है, लेकिन अगर ये मेरी फिल्म आ जाए तो बवाल हो जाता है। वाई वो आपका डबल से वो आपका इतना कितना पैसा देते हैं जो आप लोग उनकी फिल्मों को साइन कर देते हैं, मतलब सर्टिफिकेट दे देते हैं। वी डोंट हैव मनी, व्हाई शुड वी पे यू? आप सेंसर बोर्ड किस चीज़ के लिए हैं, यू नो? सही बात है, सबको एक तराजू में तुलना चाहिए। अभी पायरेसी आजकल काफी ज्यादा इनफैक्ट सामने आई है, फिल्में इनफैक्ट उड़ता पंजाबी। मेरी भी एक फिल्म आने वाली है, एक कहानी जूली की, बट मैं सेंसर में नहीं डालूंगी और पहलाज निलानी जी को फिल्म नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वहां से रिलीज से पहले फिल्म लीक हो जाती है। एग्जैक्टली, यही इनफैक्ट ग्रेट ग्रैंड मस्ती के साथ में हुआ है। या उड़ता पंजाब लीक हो गई, ग्रैंड मस्ती लीक हो गई, बहुत सारी चीजें है लीक करने के लिए, फिल्में क्यों लीक करते हो? बिल्कुल सही बात है। Yeah.